हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग वीडियो पर। और आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ निरई माता मंदिर। तो फ्रेंड, यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला और गरियाबंद जिला से 10 किलोमीटर दूर ग्राम मुहेरा के जंगल में स्थित है। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, हम चलते हैं वीडियो के आगे। तो ये फ्रेंड, आप जो रास्ता देख रहे हैं ये रायपुर राजधानी से गरियाबंद जिला मार्ग लगा हुआ है। अगर आप रायपुर राजधानी से मोहेरा पुल तक आओगे तो आपको 80 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। और ये जो सामने में दिखाई दे रहा है ये वाला रास्ता सीधा गरियाबंद जाता है। अगर आप गरियाबंद से आओगे तो आपको मोहेरा पुल तक आने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आपको पुल से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा निरई माता के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं। ये मोहेरा का पुल है, बहुत बड़ा है। सामने में लंबा सा जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसी के बीचों बीच निरी माता का वास है। कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन समय का वह मंदिर है और उनका जो देख रेख है वो वहाँ के कुछ मधुमक्खियाँ करती हैं। और ख़ासकर बकरे की बलि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दी जाती है। जिस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग उस जगह पे बलि देते हैं माता के सामने में। यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे तो पुल के आगे आपको सुंदर सा और पहाड़ी दिखाई देगा जो पीछे के तरफ है। बहुत ही सुंदर लगता है। मैं कभी और उधर ब्लॉग शूट करने जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। देख सकते हैं धान वगैरह भी हो चुका है, काटने का समय आ चुका है और हम लोग मोहेरा की बस्ती में पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड, हम लोग फाइनली मोहेरा के अंदर घुस रहे हैं। ये मोहेरा का बस्ती है, अभी और है बस्ती क्योंकि गांव थोड़ा बड़ा है। ये गांव पहाड़ से लगा हुआ गांव है, बहुत ही सुंदर लगता है इस तरफ आने के बाद। यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो माता का स्थापना किए हैं। जिस जगह पर हम अभी आपको दर्शन कराने के लिए लेके चल रहे हैं वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ पे भक्त ने पूरा श्रद्धा भक्ति से उस जगह पर दर्शन करने के लिए जाता है और माता से जो भी मनोकामना मांगता है वह ज़रूर पूरा होता है। तो आप भी कभी आएँ माता का दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करें। तो फिर हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सामने में जो आपको छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ, यहाँ से हमको सीधा जाना है। ये रास्ता सीधा लगा हुआ है निरई माता के लिए। ये भी बस्ती से होके गुज़रता है, कुछ दूरी बस्ती तय करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। तो फ्रेंड, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सामने में जो आपको मकान दिखाई दे रहा है वहीं से निरी माता का रास्ता है जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वहां पे। देख सकते हैं पंडाल वगैरह भी लगा हुआ है। यहां पे एक छोटा सा नाला है, पानी चल रहा है अच्छा सा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए हैं और सामने में जो आपको सीधा सा रास्ता दिख रहा है वो सीधा आपको निरी माता मंदिर में लेके जाएगा। तो हम लोग यहीं पे बाइक को खड़ी करते हैं। फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूँ निरी माता मंदिर में। तो चलो चलते हैं और यहाँ का दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं अभी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पे नवरात्रि का समय चल रहा है इसीलिए दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको आगे ले चलते हैं। सामने में यहाँ पे
घोड़े की आकार का शिला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक देवी देवताओं का वास है। और आपको जो सामने में रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सीधा पहाड़ी की तरफ लेके जाएगा जहाँ पे निरय माता का वास है। यहाँ पे भी मंदिर है, पहले हम यहाँ का दर्शन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अंदर चलते हैं। सामने का तुलसी का चौराहा है और यहाँ भी माता का स्थापना किया गया है। मेन स्थापना आपको ऊपर में मिल जाएगा और यहाँ पे देवी माता का जो स्थापना है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनकी मूर्ति देख सकते हैं, यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम मकान के अंदर चलते हैं। और ये है अंदर में, यहाँ भी जोत जलाए हैं जिसका दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, कितना सारा यहाँ पे जोत जलाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे एक भक्त तैनात रहता है, वह हर वक्त यहाँ पे तेल डालते रहते हैं दिए में। देख सकते हैं अभी भी वो डाल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमको। अंदर में मकान में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम दूर से ही इसका वीडियो किए हैं। थोड़ा सा अंदर घुसे थे, यहाँ पे घुसने के लिए नहीं दे रहे थे, मगर जान पहचान का था इसलिए हम लोग अंदर चले गए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। सामने में जो आपको डांग दिखाई दे रहा है, लाल, सफ़ेद और काला, ये नवरात्रि और मेला के समय इसका श्रृंगार किया जाता है, जो एक देवी देवताओं का वास होता है। और यहाँ पे सामने में पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके जस्ट पीछे खाना वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु लोगों के लिए, जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए उनके लिए। तो फ्रेंड, ये जो सामने में रास्ता है वो पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पे निराई माता का मेन स्थापना है। तो फ्रेंड, हम लोग ऊपर नहीं जा पाए, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। यहाँ के पुजारी ने कहा है कि माता ने स्वयं मना किया है ऊपर आने से, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। आपको जो नीचे में था उसी का हमने आपको दर्शन कराया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि माता रानी का दर्शन करके आपको कैसे लगा। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।